उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में देर रात बड़ा हादसा हो गया। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर सड़क किनारे खड़ी डबल डेकर बस को तेज रफ्तार ट्रेलर ने टक्कर मार दी। हादसे में बस में सवार और उसके नीचे सो रहे 18 यात्रियों की मृत्यु हो गई है। मृतकों में एक महिला है जबकि 23 से ज्यादा घायल हुए हैं। 10 गंभीर घायलों को ट्रोमा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया है। बस हरियाणा से बिहार जा रही थी। हादसा बाराबंकी के रामसनेही घाट थाना क्षेत्र में हुआ। डबल डेकर में 150 यात्री सवार थे। दरअसल एक बस रास्ते में खराब मिली थी जिसके यात्री भी इसी बस में आ गए थे। रामसनेही घाट क्षेत्र में बस का एक्सल टूट गया, इसीलिए ड्राइवर ने बस को हाईवे पर कल्याणी नदी के पुल पर खड़ा कर दिया था। इसके बाद यात्री उतरकर बस के नीचे उसके आगे और आसपास लेट गए। इसी बीच लखनऊ की ओर से आ रही तेज रफ्तार ट्रेलर ने बस को पीछे से टक्कर मार दी। इससे बस और ट्रक की चपेट में आकर करीब 11 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 7 ने अस्पताल पहुंचते पहुंचते दम तोड़ दिया। जनपद बाराबंकी रामसने घाट में हाईवे पर एक दुखद घटना हुई। एक बस जो ज़्यादातर उसमें अभी तक जो पता लगा है सीतामढ़ी सहरसा आदि जनपद के लोग थे, बिहार के, ये पंजाब या हरियाणा में जहाँ काम करते हैं वहाँ से ये वापस जा रहे थे। बस का एक्सल टूटने के कारण लोग बाहर आ गए थे, कई लोग बस के साइड में, कई लोग बस के सामने लेटे हुए थे, क्योंकि उनको ड्राइवर ने ये बताया कि उसको जो है रिपेयर करने तक उनको समय लगेगा, तो रात्रि काल में वो विश्राम कर रहे थे। उसी समय पीछे से एक ट्रक आकर इस बस के साथ जब एक्सीडेंट कर लिया जिसमें बस इनके ऊपर चढ़ गया और उसके लिए बहुत काफी संख्या में लोगों की कैजुअल्टी हुई, लोग इंजर्ड हुए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता संदीप फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, इस खबर की विस्तार से हमें जानकारी दें, ये इस सड़क हादसे ने क्या विध्वंस मचाया है? जी भारती, आपको बताना चाहेंगे कि एक बस जो है डबल डेकर बस है वो हरियाणा से बिहार की ओर जा रही थी, क्योंकि बाराबंकी और अयोध्या के सीमावर्ती जो क्षेत्र है रामसनेही घाट कल्याणी नदी के पास अचानक से वो खराब हो गई। उसके बाद में देर रात खराब होने की वजह से, उसमें ज्यादा देरी होने की वजह से वहीं पे बस रोक दी गई थी और जो उसमें यात्री थे वो निकल करके और सड़क पर ही लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे क्योंकि लंबी यात्रा तय करके जाना था, तो वो आराम कर रहे थे। जिसके बाद में तेज रफ्तार लखनऊ की ओर से फैजाबाद की ओर जा रहे एक ट्रक ने भयानक टक्कर मारी है, जिसके बाद में करीब 11 लोगों की मौत की पुष्टि ऑन स्पॉट हुई है। वहीं अगर घटना के बाद मौके पर पुलिस ने पहुंच करके रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और उसमें कई लोगों को निकाला गया। फिलहाल हॉस्पिटल ले जाते समय और उपचार के दौरान और भी कुछ लोगों की मौत हुई है, जो कि मौत का आंकड़ा बढ़ा है और 18 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हो चुकी है। करीब एक दर्जन से अधिक लोग घायल भी बताए जा रहे हैं वहां पर। जी संदीप, लेकिन यहाँ पर ये हमें समझने की कोशिश करनी होगी कि अगर बस खराब हो गई तो क्या आसपास कोई ऐसा पॉइंट नहीं था जहाँ पे बस की रिपेयरिंग हो सके, और अगर उस दौरान यात्रियों को विश्राम करना था तो क्या आसपास कुछ भी ऐसा नहीं था जहाँ जाकर यात्री विश्राम कर सके कि उन्हें सड़क पर सोना पड़ा? जी, ये नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे पर ऐसा कोई स्पॉट यहाँ पे नहीं बना हुआ था जहाँ पर वो आराम कर सके, ये ऑन रोड पे ही अपना आराम करने के लिए वहां पर बैठे हुए थे। जी संदीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता संदीप, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर पर अपडेट के लिए।